साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी द स्केलेटल सिस्टम। इसकी पहले वीडियो में हम लोग जाने थे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और उसके पार्ट्स ऑफ बोन के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मतलब कि स्केलेटल हम लोग का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम आर स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स एंड रीडल्स। सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स मतलब क्या कि स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो होता है स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स एंड रीडल्स। अब स्कल क्या होता है, बैकबोन क्या होता है, रिब केज, लिम्स एंड रीडल्स, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी हम लोग देखेंगे स्कल के बारे में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे जो भी न्यू अपडेट्स हो वो आपको मिलते रहे। और अगर आप लोगों को वीडियो लगे कि स्पीड है तो आप लोग उसको वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं प्लेबैक स्पीड पे जाके। ऊपर 3 डॉट्स होता है उस पर जाइएगा तो आप लोगों को प्लेबैक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे स्पीड नॉर्मल होगा तो ऊपर आप 0.75 पे कीजिएगा तो स्लो हो जाएगा, या फिर फास्ट करना होगा तो 1.25x कीजिएगा तो फास्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं स्कल के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं स्कल के बारे में। तो स्कल क्या होता है, स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड गिव्स द हेड इट्स शेप। स्कल क्या होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है हमारे हेड का, मतलब ये हम लोग का हेड है, ये पूरा क्या हम लोग का स्कल ही, तो स्कल ही, स्कल एक बोन से बना हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कल बोलते हैं, जो कि हमारा ब्रेन एंड गिव्स द हेड इट्स शेप, जो कि हम लोग का जो ब्रेन होता है उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, सराउंड करता है। सराउंड करता है मतलब क्या कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, अगर चोट भी लगे तो हमारे ब्रेन को बचाता है। पहले हमारे स्कल के बोन पे चोट लगेगा, उससे हम लोग का ब्रेन क्या होगा, प्रोटेक्ट रहेगा। कभी कभी सुनते होंगे ब्रेन हेमरेज, या फिर किसी को अगर ब्रेन में चोट लग जाता है तो वो बहुत ही कम चांस होता है कि वो सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए बोन क्या करता है, हमारा जो स्कल होता है बोनी पार्ट्स होता है, तो वो क्या करता है हमारे ब्रेन को और जो भी इंटरनल ऑर्गन होता है जैसे कि आईज, नोज, ये सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, हमारा जो फेस दिख रहा है उसको क्या करता है, एक शेप देता है कि हाँ ऐसा ही फेस होना चाहिए। अगर हमारा एक शेप नहीं होता, स्कल नहीं होता, तो हम लोग का फेस थोड़ा सबका अलग अलग, मतलब फेस सबका अलग अलग देखने में तो होता ही है, मतलब स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं रहता। जैसे हाँ, जैसे हमारा आईज यहाँ पे 2 है, एक नाक है, एक मुंह है, 2 कान है, ऐसे ही सबका होता है। अगर एक स्ट्रक्चर नहीं होता तो सबका अलग अलग होता, किसी को बीच में आंख होता, किसी को कहीं होता। तो ये क्या करता है, एक शेप देता हमारे हमारे फेस को, हमारे हेड को एक शेप देता है। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, हमारा जो स्कल है वो टोटल कितने बोन से बना है, तो 22 बोन से बना है। द राउंड हॉलो केस कॉल्ड क्रैनियम होल्ड्स द ब्रेन। और जो राउंड हॉलो होता है, आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है, राउंड हॉलो मतलब क्या, जो ऊपर का पार्ट होता है ना, स्कल का ऊपर का पार्ट जो होता है वो क्या, उसको क्या, वो क्या कहलाता है, क्रैनियम कहलाता है। उसी के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन भी होता है। क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। और क्रेनियम जो होता है वो कितने तरह का बना होता है, मतलब कितने बोन का बना हुआ होता है, तो 8 बोन्स का बना हुआ होता है हमारा क्रेनियम। उसके बाद क्या, द फेस इंक्लूडिंग लोअर जॉ कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स। उसके बाद जो हमारा फेस है और जो हमारा जॉ है वो सारा मिला के कितने बोन से बना हुआ है, हमारा टोटल 14 बोन से बना हुआ है। देयर आर 3 टाइनी बोन्स इन ईच ईयर। और हमारे कान के पास कितना बोन होता है, 3 बोन्स होता है दोनों ईयर की तरफ, 3 बोन्स हो गया, तो ये कितना हो गया, टोटल 6 हुआ। मतलब कि हमारे ईयर के पास जो होता है, एक साइड लेफ्ट साइड 3, राइट साइड 3, 3 बोन से हमारा ईयर बना होता है। और एक बोन होता है एंड 1 बोन जो कि हमारा थ्रोट में होता है वो 1 बोन से बना हुआ होता है। और हमारा हेड क्या करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आईज, ईयर, नोज, ये सारे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर 22 बोन्स टोटल कैसे हुआ, तो अगर आप लोग देखिए 8 बोन्स क्या होते हैं, क्रेनियम में होता है,
और फेस और जाओ को मिला के कितना हुआ, 14 बोन हुआ। 14 प्लस 8 करेंगे प्लस 3 एक ईयर के साइड, तो प्लस कितना हो गया 6, और एक थ्रोट में होता है। टोटल को आप ऐड कीजिएगा तो 22 आएगा। तो स्कल हमारे कितने बोन से बना हुआ होता है, टोटल 22 बोन से बना हुआ होता है। तो आई होप आप लोग को स्कल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे जाओ के बारे में, जाओ बोन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं जाओ बोन के बारे में। और फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने क्या देखा था, स्कल और स्कल के बारे में भी जाना था। अब हम लोग जानेंगे जाओ बोन के बारे में। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हाँ, अगर नहीं समझ में आए, जहाँ भी समझ में नहीं आए वहाँ आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं जॉ बोन के बारे में। इट इज अ यू शेप बोन इन द लोअर जॉ। जॉ किस शेप का होता है, तो यू शेप का होता है। हम लोग का ये चीज क्या, यू शेप का है ना, देखिए यू शेप का है ना। तो ये क्या, किस शेप का होता है, हम लोग का जॉ जो होता है, जॉ बोन जो होता है वो यू शेप का होता है। फेसियल बोन्स एक्सेप्ट लोअर जॉ डू नॉट मूव मच। फेसियल बोन्स मतलब कि जितना भी हम लोग का बोन्स होता है जॉ के पास, ये सब जितना भी बोन्स होता है, फेसियल बोन्स को एक्सेप्ट लोअर जॉ डू नॉट मूव मच। मतलब हम लोग का जो लोअर जॉ होता है उसको छोड़ के जितना भी हम लोग का फेसियल बोन्स है वो ज़्यादा मूव नहीं करता है। इसका मतलब वही हुआ, फेसियल बोन्स एक्सेप्ट लोअर जॉ। लोअर जॉ के अलावा जो ऊपर वाला हम लोग का ज़्यादा मूव करता है क्या, नहीं ना। हम लोग चीविंग भी करते तो देखिएगा हम लोग का बस नीचे वाला ही मूव करता है, जैसे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। बस लोअर जॉ ही आप लोग, लोअर जॉ क्या करता है, ज़्यादा मूव करता है, उसके ऊपर वाला अपर जॉ जो होता है हम लोग का ज़्यादा मूव नहीं करता है। तो क्या करते हैं, फेसियल बोन ज़्यादा मूव नहीं करता है एक्सेप्ट लोअर जॉ। लोअर जॉ के अलावा जो भी बोन है हम लोग के जॉ का वो ज्यादा मूव नहीं करता है। द लोअर जॉ होल्ड्स लोअर टीथ इन प्लेस। लोअर जॉ क्या करता है, लोअर टीथ, जैसे कि हम लोग का नीचे का जो टीथ होता है, एक हम लोग का एक अपर जॉ में टीथ है, एक लोअर जॉ में टीथ है। अपर जॉ वाला तो ज्यादा मूव नहीं करता, लेकिन लोअर जॉ वाला ज्यादा मूव करता है। तो लोअर जॉ वाला जो भी टीथ होता है उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, मतलब उसके जगह पे होल्ड करके रखता है। अपर जॉ भी अपर टीथ को अपने जगह पे होल्ड करके रखता है, मतलब उसके जगह पे उसको संभाल के रखता है, मतलब इधर उधर दांत नहीं हो जाए, हम लोग का जो टीथ है वो इधर उधर नहीं हो, इसलिए क्या करता है, एक जगह पे प्लेस करके रखता है। और क्या हम लोग को जॉ बोन क्या चीज में हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स इन च्यूइंग फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर हम लोग का टीथ नहीं होता या फिर जॉ नहीं होता, टीथ होता और जॉ नहीं होता, तो क्या हम लोग अपने फूड को चिवा पाते, हम लोग जो खाना खाते हैं उसको च्यू कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग को क्या होता है, लोअर जॉ जो होता है वो मूव होता है, और हम लोग को च्यूइंग में भी क्या करता है, चबाने में भी, खाना को चबाने में भी हेल्प करता है। तो ये था स्कल और जॉ बोन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे बैकबोन के बारे में और उसके बाद रिब केज के बारे में। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अभी तक में हम लोगों ने जाना है स्कल और जॉ बोन के बारे में, अब हम लोग जानते हैं बैक बोन के बारे में बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। द स्कल इज अटैच टू द बैक बोन। स्कल क्या होता है, हमारे बैक बोन से जुड़ा होता है, जो यहाँ पे हम लोग का जो पीछे होता है नेक, वहाँ पे क्या होता है, स्कल बैक बोन से हम लोग का जुड़ा होता है। हम लोग जानते हैं हमारा बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से अटैच होता है, तो स्कल भी क्या हम लोगों से, हम लोगों के बैक बोन से जुड़ा हुआ है। द बैक बोन इज अ लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी। बैक बोन क्या है, बैक बोन इज अ लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। बैक बोन जो है सब हमारे लंबा होता है, बोनी लंबा होता है, सबसे लंबा होता है, मतलब कि बैक बोन इज अ लॉन्ग, मतलब हम लोग का जो बैक बोन होता है वो लंबा होता है और बोनी स्ट्रक्चर का होता है। जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस टाइप का हम लोग का बैकबोन होता है, बोनी स्ट्रक्चर उसको क्यों बोला गया, क्योंकि क्या होता है, उसके बीच बीच में हम लोग का क्या होता है, मसल्स होता है, बैकबोन के बीच बीच में मसल्स होता है, इसलिए हम लोग का क्या होता है, बैकबोन मतलब स्पाइन हम लोग का इजिली मूव कर पाता है। अगर मसल्स नहीं होता तो हम लोग जो है ना मूव, हम लोग का जो, हम लोग जो अपने अपने नेक को भी इधर उधर घुमा पाते वो भी हम लोग नहीं कर पाते।
तो क्या बैकबोन जो है एक लंबा स्ट्रक्चर होता है, बोन लंबा होता है और बोनी स्ट्रक्चर का होता है, जो कि हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट सपोर्ट देता है, सपोर्ट करता है। तो हम लोग क्या होते हैं, जैसे हम लोग अभी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, कैसे खड़े, तो बैकबोन के हेल्प से, ठीक है। और आगे क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। बैकबोन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन, ठीक है। बैकबोन का दूसरा नाम है वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ मैनी 33, मैनी मतलब क्या, 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा, सिंगुलर को बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रे, सिंगुलर में बोलते हैं वर्टिब्रा, वर्टिब्रे को हम लोग सिंगुलर में क्या प्रोनाउंस करेंगे, वर्टिब्रा। हम लोग का जो बैकबोन है वर्टिब्रल कॉलम ही, बैकबोन का ही दूसरा नाम है वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन। तो हम लोग का जो स्पाइन स्पाइन होता है वो छोटे छोटे वर्टिब्रा से बना होता है। वर्टिब्रा किसको बोलते हैं, आप लोग को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो वर्टिब्रा, वो टोटल हम लोग का बैकबोन में कितने वर्टिब्रा होते हैं, तो 33 होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ मतलब बहुत सारा, तो कितना होता होगा मैक्सिमम, तो 33 होता है, ठीक है। तो दीज वर्टिब्रे आर स्टैक्ड ऑन टू ईच अदर विद द सपोर्ट ऑफ इन वर्टिब्रल डिसेस। डिसेस मतलब क्या, वर्टिब्रा जो हम लोग का होता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड, मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से ऊपर कैसे जुड़ा हुआ होता है, किसके सपोर्ट से जुड़ा होता है, तो इन वर्टिब्रल डिसेस के हेल्प से जुड़ा होता है। इन वर्टिब्रल डिसेस जो होता है ना, वो हम लोग के हर एक पेयर ऑफ मतलब वर्टिब्रा के बीच बीच में जो होता है मसल्स होता है, पेयर ऑफ मसल्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन वर्टिब्रल डिसेस बोलते हैं, जिससे कि हम लोग का सारा वर्टिब्रा क्या होता है, एक दूसरे से अटैच होता है। द बैकबोन हैज मूवेबल जॉइंट्स दैट हेल्प टू बेंड एंड ट्विस्ट इजली। बैकबोन क्या होता है, बैकबोन में हम लोग का क्या होता है, मूवेबल जॉइंट्स होता है। मूवेबल जॉइंट्स हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं, मूवेबल जॉइंट्स मतलब क्या, वो हम लोग के बैकबोन के बीच में मसल्स होता है, जो कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, जिससे कि हम लोग जो क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है हमारे बॉडी को बेंड करने में, या फिर बेंड करने में और ट्विस्ट करने में इजली। द बैकबोन प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। और बैकबोन क्या करता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, बहुत ही नाजुक होता है, उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है ना, बहुत सारा जो नर्व्स होता है, बंडल ऑफ नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, जो कि हमारे हमारे स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, बैकबोन। तो आई होप आप लोग को बैकबोन समझ में आ गया होगा। तो ये था बैकबोन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे लास्ट रिब केज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का लास्ट जो टॉपिक है वो है रिब केज। तो हम लोग जानते हैं रिब केज होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। द रिब केज इज एन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, विद इन द चेस्ट रीजन। रिब केज क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स मतलब बोन्स एक तरीके से अरेंजमेंट होता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो क्या होता है, बोन्स सारा क्या होता है, एक दूसरे से मतलब एकदम अरेंजमेंट में होता है, जो कि हमारे चेस्ट रीजन में होता है। ये पूरा चीज हमारा क्या होता है, बैकबोन ही तो होता है ना। तो बैकबोन बोल रहे हैं, सॉरी, रिब केज, ये पूरा हम लोग का पार्ट क्या होता है, रिब केज जो होता है वो एकदम एक अरेंज वे में होता है, जो हमारा चेस्ट रीजन में होता है। जो चेस्ट रीजन जो होता है वो हमारा रिब केज ही होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 24 रिब्स। कितना रिब्स होता है उसमें, मतलब जो हम लोग का रिब केज जो बना हुआ होता है, इस टाइप से जो बना हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। टोटल कितना रिब्स होता है हम लोग का, तो 24 रिब्स होता है, टोटल 24 रिब्स होता है। 24 रिब्स कैसे होता है, तो ये जो देखिए रिब्स जो है ना, वो टू सेट में बना हुआ था, एक ये और एक ये, तो दोनों को, ये दोनों क्या हुआ, पेयर हुआ। तो टोटल पेयर अगर बोले तो 12 रिब्स होता है, सेट्स अगर सेट्स बोले या पेयर बोले तो टोटल 12 होता है, 12 पेयर होता है। और उसका हम लोग को रिब्स पूछे कितना होता है, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका रिब्स का सेट्स या फिर पेयर पूछे तो वो 12 होता है, और उस अगर उसका पूछे कि टोटल कितना रिब्स होता है तो उसको बोलेंगे 24। ये क्या है, दो पार्ट में, देखिए ये बना हुआ होता है दो पार्ट में, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो ये क्या होता है ना, एक पेयर होता है पूरा रिब्स का। ये पूरा जब ये जो पूरा अटैच हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, एक रिब्स कहलाएगा।
ठीक है, किससे अटैच होता है? ये जो रिब्स होते हैं हम लोग का, वो किससे अटैच होता है? अटैच टू अ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट नोन एज स्टर्नम। ये किससे अटैच होता है? तो हम लोग के रिब के बीच में एक प्लेन बोन होता है जो थोड़ा लॉन्ग होता है और हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है, जिसका नाम है स्टर्नम, जो आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसी से हम लोग का क्या होता है, सारा रिब्स अटैच होता है, बीच में एक फ्लैट और लॉन्ग बोन होता है, उससे हम लोग का रिब केज का सारा रिब्स अटैच होता है, जिसका नाम है स्टर्नम। द फर्स्ट 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम इन फ्रंट एंड बैक बोन एट द बैक। हम लोग का जो रिब्स होता है उसका 10 पेयर्स जो होता है वो तो आगे से जुड़ा हुआ होता है, जो कि हम लोग का स्टर्नम से जुड़ा होता है, और जो पीछे का जुड़ा, और हम लोग का रिब्स दो चीज से जुड़ा होता है, एक तो पहला स्टर्नम से जो कि आगे से जुड़ा होता है, पीछे से किससे जुड़ा हुआ होता है, वो पीछे से हम लोग का बैकबोन से क्या होता है, सारा रिब्स जुड़ा हुआ होता है। आगे में कितना जुड़ा हुआ रहता है स्टर्नम से, जो है सिर्फ 10 पेयर्स आगे से हम लोग का स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है, बाकी जो हम लोग का टोटल 12 होता है वो सारा हम लोग के बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है पीछे से। और जो आगे का लास्ट, जो लास्ट में 12 पेयर होता है ना टोटल, 10 तो जुड़ा हुआ होता है स्टर्नम से, लेकिन नीचे का जो 2 होता है ना वो स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जिसका नाम है फ्लोटिंग रिब्स। जो 2 पेयर जो हम लोग के स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ रहता है लेकिन बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है, उसका नाम है फ्लोटिंग रिब्स। क्यों फ्लोटिंग रिब्स नाम है? तो देखिए, द लास्ट 2 पेयर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स एज दे आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम। जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो लास्ट 2 पेयर होता है वो हम लोग के स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, जो कि सिर्फ बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। दिस 24 बोन्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। और जो हम लोग का रिब केज होता है, जो कि 24 बोन का बना हुआ होता है, वो क्या करता है, एक केज टाइप का बनाता है, मतलब आप लोग को देख के भी लगता होगा, जो कैसे आप पिक देख रहे होंगे, वो क्या करता है, एक केज टाइप का रहता है, जैसे कि हम लोग केज रहते हैं ना, जिसमें हम लोग चिड़िया को या फिर किसी को, पैरट को लगते हैं, तो उसी तरह क्या होता है, एक केज टाइप का बनाता है 24 रिब्स मिलके, जिसके अंदर हम लोग का जो इंटरनल ऑर्गन होता है जैसे कि हार्ट और लंग्स, उसको क्या करता है, ये केज प्रोटेक्ट करता है। अगर हम लोग को चोट भी लगेगा तो हम लोग को पहले रिब केज के रिब्स में लगेगा, वो टूटेगा, हम लोग का इंटरनल ऑर्गन जो होगा लंग्स और हार्ट, वो क्या होगा, उससे प्रोटेक्ट होगा। और अगर रिब केज नहीं होता तो डायरेक्ट हम लोग के हार्ट में या लंग्स में चोट लगता तो हम लोग मर जाते, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग का जो और 2 पार्ट है, लिम्स और क्या था, लिम्स और ग्रीडर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब क्या था, हम लोग का 2 पार्ट जो है लिम्स और ग्रीडर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और फंक्शन ऑफ स्केलेटन के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।